हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। आज का डिस्कशन प्रारंभ होने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई हम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, आज हम शुरुआत करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर में एज अ इंसुलेटर काम करता है, ठीक है, और उसकी कंडक्टिविटी जो है बहुत लो होती है, जिससे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज करके कोई भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेवलप नहीं किया जा सकता है जो कि रूम टेम्परेचर पे काम करे। इसलिए हमें उसे उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ना रहे या टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ना रहे, सभी टेम्परेचर्स पे काम करे, इवन एट रूम टेम्परेचर वो काम करे, हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं। मतलब कि कुछ अदर सब्सटेंस उसमें मिक्स कर देते हैं जिसे हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं और ये जो इम्प्योरिटीज होता है ये पार्ट्स पर मिलियन PPM में ये ऐड किया जाता है। और ये जो एडेड इम्प्योरिटीज हैं इनको क्या कहते हैं, इनको जो ऐड इम्प्योरिटीज ऐड करने की जो ये मेथड है इनको क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, इनको डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग के थ्रू कुछ इम्पेरेटिव्स डेलिबरेटली हम ऐड कर देते हैं तो वो उस जो सेमीकंडक्टर हमें मिलता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। डोपिंग क्या है, एडिंग इम्पेरेटिव्स। ठीक है, और ये पीपी पार्ट्स पर मिलियन हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं या इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं या इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अच्छा, डोपिंग बड़ा ध्यान से किया जाता है, ये ध्यान में रखा जाता है कि साइज ऑफ डोप एटम, जो एटम हम डोप कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर के एटम के साइज के बराबर हो, ठीक है, जिससे कि वो रिस्टोर्ड ओरिजिनल जो साइज है और ओरिजिनल सेमीकंडक्टर का जो लैटिस है उसको डिस्टॉर्ट ना कर दे, हाँ डिस्टॉर्ट ना कर दे, ठीक है। तो
डोपेंट का जो ऑक्यूपेंस है मीन्स जो वो बहुत कम होता है ओरिजिनल सेमीकंडक्टर के मुकाबले। ठीक है, अब टाइप ऑफ डोपेंट्स करेंगे। तो दो तरह के डोपेंट यूज किए जाते हैं जीई और एसआई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। पहला है, पहले समझना है कि जीई और एसआई किस तरह के एलिमेंट्स हैं। ये एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें चार वैलेंसी होती हैं। तो एक पहला जो डोपमेंट यूज किया जाता है वो है पेंटावेलेंट एटम, जिसकी वैलेंसी पांच होती है, फाइव होती है। उसमें उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे आर्सेनिक, एंटमनी, फास्फोरस। दूसरे टाइप ऑफ डोपमेंट जो यूज किए जाते हैं वो है ट्राइवेलेंट एटम्स के डोपमेंट। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इरिडियम, इंडियम, बोरॉन और एल्मोनियम। ठीक है, और इस तरह से इन डोपमेंट के यूज करके इंट्रिंसिक जीई और एसआई टाइप के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक दैट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि वो रूम टेम्परेचर में भी वो एज अ कंडक्टर बिहेव करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक हम इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी फास्फोरस को एज एन इम्प्योरिटी डोप कर देते हैं। तो फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस का वैलेंसी कितना है, फाइव। मीन्स फास्फोरस के कितने एटम्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फाइव होते हैं। ठीक है, तो ये फाइव इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो ये 1, 2, 3 और 4, ये 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 3, ये चार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड में ये बना लेते हैं, किसके साथ, जर्मेनियम के साथ। एक इलेक्ट्रॉन जो है कि फ्री रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है व्हाइट। तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो सेमीकंडक्टर जो कि इंट्रिंसिक था पहले, अब एक्सट्रिंसिक बन जाता है और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और सिंस यहाँ पे क्या है, चार्ज कैरियर्स मोस्टली नेगेटिव होते हैं, चार्ज कैरियर मेजोरिटी में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए चार्ज कैरियर मेजोरिटी नेगेटिव होते हैं, इसलिए एन फॉर नेगेटिव टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्रिस्टल एज ए होल वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक रिलेशन है उसको समझ लिए, सिंपल सा रिलेशन रिलेशन है, Ne और Nn इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। अब Ni क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, इसको क्या कहते हैं, Ni को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक
कंसंट्रेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी कहा जाता है एनआई को। अच्छा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ होल के बराबर होता है। हाँ, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डोनर एटम के इक्वल होते हैं, और होल्स के नंबर ऑफ होल्स, नंबर नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स से काफी ज्यादा होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, सेकेंड रिलेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम बट वेरी लार्ज देन नंबर ऑफ डोन होल्स डेंसिटी। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन है, इसको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें एज एन इम्प्योरिटी हम ट्राइवेलेंट एटम ऐड करते हैं। यहाँ पे फिगर में दिया गया है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3। तो इस एक ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम और उसके चारों ओर जर्मेनियम एटम, चार जर्मेनियम एटम लगे हुए हैं। तो अब इससे क्या होता है कि एल्युमिनियम एटम जो है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मींस अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, इस वाले कोवलेंट बॉन्ड से, यहाँ पे व्हाइट बना हुआ है ना, इस वाले कोवलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इससे तो एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाते हैं इस कोवलेंट बॉन्ड में, जिससे कि वो एक इलेक्ट्रॉन लिया है वो वहां पे होल क्रिएट हो जाते हैं। इसमें वो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हम एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को में मेजोरिटी ऑफ होल्स होते हैं, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अतः मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंस होल का चार्ज पॉजिटिव, होल का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स के, और काफी ज्यादा होता है, मीन्स बहुत हाई होता है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये एक रिलेशन है, नंबर ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर डेंसिटी ऑफ एटम और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब तक हमने पढ़ा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के एक लिमिटेड यूजेस हैं, ठीक है, और उन दोनों में यदि हम इम्प्योरिटीज डाल देते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की के नंबर ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं, और उनकी कंडक्टिविटी, और उसके कारण उनकी कंडक्टिविटी भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इस फैक्ट को हम यूज करते हैं मॉडर्न डिवाइसेस वगैरह में बनाने के लिए, क्योंकि पी टाइप की सेमीकंडक्टर की लिमिटेड यूजेस हैं।
एन टाइप के सेमीकंडक्टर के लिमिटेड यूजेस हैं, लेकिन दोनों को यदि मिला के जो पीएन टाइप जंक्शन डायोड, जिसको हम पीएन टाइप जंक्शन डायोड कहते हैं, तो इनका जो यूजेस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एक कुछ स्पेशल, कुछ नए करेक्टरिस्टिक्स अपेयर होते हैं इस जंक्शन डायोड के, इस जंक्शन के कारण, पीएन जंक्शन के कारण, और जो काफी यूजफुल होते हैं नए डिवाइसेस बनाने के लिए, जिनमें दोनों फीचर्स होते हैं, पी टाइप के भी फीचर्स होते हैं, एन टाइप के भी फीचर्स होते हैं, और कुछ नए फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ फिगर में दिया गया है, तो इसका फॉर्मेशन या तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, या नहीं तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है डिटेल में। तो पीएन जंक्शन के एन रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। इसके अपोजिट पी रीजन में होल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। इससे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन से, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज हो जाती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पी रीजन में हायर डेंसिटी है, जिस एरिया में हायर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वहां से वो हट के पी रीजन में, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, वहां वो डिफ्यूज हो जाती है। एक्चुअली होल क्या है, होल इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से एक होल का इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से होल क्रिएट होते हैं। तो अब जब जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज होते हैं, तो वो होल के साथ इंटरैक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। और इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, वो जो एन रीजन में न्यूट्रलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन से। तो इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होल्स के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एन रीजन में हमारा डोनर आयन होता है और पी रीजन में हमारा एक्सेप्टर आयन होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जंक्शन के रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पे बाउंड हो जाते हैं और इनकी मोबिलिटी खत्म हो जाती है, मीन्स ये इमोबाइल, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस छोटे से रीजन को क्या कहते हैं, डिप्लीटेशन रीजन, डिप्लीटेशन और डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस रीजन में फ्री चार्ज कैरियर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों ही डिप्लीटेड पाए जाते हैं। और
एज ए रिजल्ट क्या होता है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल चार्ज चार्जेस के कारण, डिप्लीशन रीजन में इस पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी जनरेट होता है इस रीजन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव रीजन से पॉजिटिव रीजन की ओर होती है। इस ईबी के कारण, नए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डायरेक्टेड है नेगेटिव से पॉजिटिव रीजन की ओर, फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव रीजन टू पॉजिटिव रीजन, और फर्दर फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम पॉजिटिव रीजन टू नेगेटिव रीजन का ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करता है। इससे क्या होता है कि एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, ये VA, एक पोटेंशियल बैरियर VA क्रिएट होता है, और इसको VB कर लीजिए, VB क्रिएट होता है जो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द होल्स फ्रॉम नेगेटिव रीजन टू पॉजिटिव रीजन, और फर्दर मूवमेंट ऑफ होल्स फ्रॉम पॉजिटिव रीजन टू नेगेटिव रीजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि द ओवरऑल नेगेटिव चार्ज पी रीजन में, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इतना होता है कि वो आराम से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन रीजन से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या एन रीजन में है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको आराम से वो अपोज कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। सिमिलरली वाइस वर्सा होल्स के साथ भी वैसा ही होता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा डिप्लीशन रीजन का साइज लिमिट हो जाता है। इस पोटेंशियल बैरियर VB के कारण कोई इलेक्ट्रॉन N रीजन से, कोई इलेक्ट्रॉन N रीजन से P रीजन में तभी मूव कर सकता है जब उसकी एनर्जी, जब उसकी एनर्जी EVB से काफी बड़ा हो, तभी वो मूव कर सकती है कोई इलेक्ट्रॉन N रीजन से P रीजन की ओर। सिमिलर केस होल के साथ भी होता है, उसको भी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पी रीजन से मूव करने के लिए एन रीजन की ओर, और इस तरह से हमारा पीएन टाइप जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो नहीं मिस करेंगे, और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, और आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों को हेल्प करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।